हेलो पीपल, सो लेट्स स्टार्ट आर न्यू क्वेश्चन. अब ये सवाल क्या बोल रहा है कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन, मतलब CO 2 मोल है मेरे पास एंड 3 मोल मेरे पास क्लोरीन है, वर अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम. सो द रिएक्शन ऐसे होगी, CO, ये रिएक्शन हो गई हमारी, CO प्लस CO2 गिव्स COCl2 इन अ 5 लीटर वेसल, और इसका वॉल्यूम भी दे दिया है 5 लीटर. अब बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम इफ 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट देन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज. अब वो बोल रहा है कि एक CO का मोल बच गया, मतलब यहाँ पे 2 मोल्स थे तो उसमें से सिर्फ 1 मोल रिएक्ट किया है, 1 मोल रह गया है, तो उसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट K की वैल्यू बताओ. और ये 4 ऑप्शन दिए. तो लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन लिख दिया, ठीक है. नाउ अब हमें पता है कि इन सब का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो वो अब वैसे ही रिएक्ट करेगा उसी रेशियो में. तो सबसे पहले हमारे पास CO के 2 मोल्स हैं और क्लोरीन के 3 मोल्स हैं, और इनिशियली COCl2 के 0 मोल्स. नाउ एट इक्विलिब्रियम व्हाट हैपेंस, ये 2 में से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, राइट. और ये तीन, अगर ये 2 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये Cl2 भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, राइट, बिकॉज इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है. तो इसमें ये अगर 2 में से 1 रिएक्ट करेगा और ये 3 में से 1 रिएक्ट करेगा तो ये सेम बनेगा, मतलब 1 बनेगा ये भी. तो ये 2 में से 1 रिएक्ट किया तो ये 1 बचा, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि एट 1 मोल ऑफ CO इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम. तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये 1 मोल बचा, ये 2 मोल बचा और ये 1 मोल बना, ठीक है. तो ये तो हो गया उसके मोल्स, बट कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो हमें तो कंसंट्रेशन के बारे में की बात करनी है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो वॉल्यूम 5 लीटर दिया है, तो इसका कंसंट्रेशन 1/5 हो जाएगा, इसका 2/5 और इसका 1/5. तो अब कंसंट्रेशन मिल गया है, अब नाउ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ढूंढने में कोई परेशानी नहीं है. के की वैल्यू क्या होती है, वी नो दैट प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन रेस टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे सब 1 है, तो आई विल टेक जस्ट द कंसेंट्रेशन ऑफ COCl2 अपॉन CO इंटू Cl2. तो यहाँ पे 1/5 / 1/5 इंटू 2/5, तो आई विल गेट माई आंसर ऑफ KCS 2.5. तो द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, राइट. थैंक यू.